नोएडा से बिहार के नेता के बेटे का अपहरण कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं ने फोन करके परिजनों से रिहाई के बदले 5 लाख रुपए की फिरौती रकम मांगी है। वहीं बिहार में बांका जिले से जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिला अध्यक्ष महराज खान का बेटा दिलावर खान को रविवार नोएडा घूमने आया था। वहीं तड़के 5 बजे ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास कुछ बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तब उनके पास फिरौती की कॉल पहुंची। बताया जा रहा है कि अपहरणकर्ता 24 घंटे में 3 बार फिरौती के लिए कॉल कर चुके हैं। वहीं दिलवर खान इस बार जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव भी लड़ा था। वह पहली बार नोएडा और दिल्ली घूमने आया था। इसी दौरान रेकी कर उसका अपहरण कर लिया गया। आपको बता दें कि मामले में दिलवर खान के दोस्त ने थाना बीटा 2 में FIR दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने ट्वीट कर बताया है कि मामला उनके संज्ञान में है। वहीं अपहरणकर्ताओं के बारे में पुलिस को अहम सुराग भी मिले हैं। पुलिस जल्द ही दिलवर खान को बरामद कर इस केस का खुलासा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।